अब मैं आया हूँ शीट लेने, क्योंकि जो अलमारी को लगनी है शीट दराजों के लिए ना, तो वो मैं कह रहा हूँ मेरे पास ये वाली पड़ी हुई है, ऐसी ना पड़ी हुई है, वो भी हाई क्लोज है। ये मैंने पहले ली थी 6,000 रुपये की, अब ये हो गई है 9,000 रुपये की ये वाली शीट खाली, ये सुपर हाई क्लोज कहते हैं। तो एक मैंने ये ले लिया क्योंकि इसे जो इसके जो दराज होंगे ना वल्ला बड़े ज़बरदस्त होंगे, और जो ये वाली होगी ये हम गैलरी में लगा देंगे। ये यहाँ पे टेप लगवानी थी शीटों को, तो वो टेप भी लगवा ली है, क्योंकि ब्लैक जो शीट बनवानी है तो ब्लैक शीट के लिए कम अज़ कम ब्लैक टेप ही होनी चाहिए। जो साइड दीवार को लगनी है वहाँ पर टेप नहीं लगाई, जो फ्रंट और बैक साइड होगी सिर्फ वहाँ पर टेप लगाई है। अपनी जो हाई ग्लोस शीट है वो आ गई है, अब जो यहाँ पर जो शीटें पड़ी हुई हैं वो इस पर लोड करते हैं। ज़बरदस्त टक्कर टूट गई है, लेकिन कोई नहीं, ये कटिंग है। ये अलमारी के लिए मैं पहले ही दे गया था, क्योंकि इसकी कटिंग करवानी थी, कटिंग करवाने के बाद इसकी टेप लगानी थी, टेप इसको कहते हैं टेप, और टेप लगनी थी सिर्फ इस मशीन से लगनी थी जो कि अच्छी लग जानी थी। तो इसे टेप लगती है तो टेप लग गई है, और जो शीट बची है वो ब्लैक शीट ये है, और इसकी जो है ना कम अज़ कम मेरे ख्याल से दराज बन जाएंगे, क्योंकि दराज हमारे ज़्यादा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि ये संडे को दुकान बंद होनी थी, तो हमने कहा इसको आज के आज ही ले जाएं, अगर कल पे डालेंगे तो काम हमारा परसों में चला जाएगा। शीटें वगैरह सारी लोड कर दी हैं, और शाम का टाइम होने वाला है, तो इसको जाके शॉप पे रखते हैं ताकि जो हमारे अगले काम है वो करने वाले बने। आज पूरे गंदे हो गए हैं, पट्टी नहीं की थी वो भी गंदी होगी, कोई नहीं, सोके अल्लाह खैर करे। शायद से ब्लैक दुआ नहीं कर रहा है, पीछे कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, सारे कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे, किधर से दुआ नहीं कर रहा यार। आगे सार्जेंट है, मोबाइल बंद करना पड़ना मुझे। शीट्स वगैरह घर में ले आया हूँ, और जितनी शीट्स हैं वो सारी यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि वो जो शॉप है ना साफ वाली वो बंद है। ओ भाई ये गिर गया, ओ ओ जाओ जाओ ले, मैं फाड़ के रख लूँ। बच गया बच गया, अभी वो गाड़ी वाड़ी चावल नीचे करने लगे थे। गंदा मामा ने साफ करके यहाँ रखी हुई है, मामा कह रही है आटा ख़त्म हो गया, ले जाके इसे पिसवा, तो इसको पिसवा भी आते हैं। शीट जैसे बड़ी सारी रखते हैं ना, तो इस गंदों को पिसवाते हैं, ताकि आए ये दो दिन तो चावल ही खा रहे हैं, आटा घर में है ही नहीं। गंदम भी दे दो, बाबा के दांत खराब हो गए थे, तो बाबा ने अपने दांत क्लियर कराने आए हैं। 3 से 4 दिन लगातार बाबा के दांत दर्द होने लगे, तो पिछले दिनों मुझे भी दांत बहुत दर्द होने लगे थे, लेकिन वो जो दर्द थी ना मुझे था कि ना वो ना एक दांत दर्द निकल गया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो ख़त्म हो गई, शुक्र है वो दांत दर्द नहीं निकली। अगर वो निकली होती ना तो तोबा, उसका कोई हाल नहीं होता, उसने किसी ना किसी तरीके से निकलना ही होता। लो जी बाबा का ट्रीटमेंट हो गया, और अब बारी है पैसे देने की। दांत निकालो जी। दांत निकाल दिए? कितने दांत निकाले हैं? ये फट गई है सारी। तो कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, ऐसे ही निकाल दे? सुन किया वो? अच्छा अभी भी सुननी है। अक्लदार मेरे निकलने लगी थी, लेकिन ना वो बच गई है, पता नहीं वो कब निकलती है। हाय 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 हाय, इतना बड़ा दांत था ना, हाय मुझे देख ही खौफ आ रहा था यार। ये दांत खराब ही ना करते, ये उसका इसका ही नाम है। सर हमें ये स्ट्रॉबेरी दे दे, कुल्फा ये दो दे दे। जो हमारी फ्रिज है वो भी ख़राब हो गई, क्योंकि इसकी ना इधर और ऊपर ना एक इधर और एक नीचे से जंग लग गया, वो आपको शॉप पे जाके दिखाऊंगा। अब इसको शॉप पे लेके जाना, ऊपर से नीचे लेके आ, पता नहीं मैं मजदूर बना हुआ, कभी ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर। हाय हाय अल्लाह, अब बाबा आते हैं तो बाबा के साथ बाइक पर जाते हैं, ताकि ये फ्रिज देखे हैं, ताकि जो हमारा फ्रिज वाला काम है ना ये मुकम्मल हो। तो भाई ये वाली फ्रिज थी, तो जिसको हमारी फ्रिज को जंग लग गया था, एक ये पट्टी और तेंगी फटा, जो उसकी नीचे वाली पट्टी है इस पट्टी को, तो अब इसको भाई रिपेयर करवाना ना बाइक की शॉप पे हैं, तो अब देखते हैं कम से कम 2 दिन बाद इसकी
जिसकी ये लुक है, दुबई कह रहे हैं जो बिल्कुल ये वाली चीज़ है ना, ये इस तरह की हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल जैसे लगेगा कि इधर कुछ हुआ था कि नहीं हुआ, ऐसा ही है जी भाई। जबरदस्त। इधर हमारे पेंट वाले भाई लगे हैं, तो हमारे जो वो वाले भाई हैं ना, उनको आता है गाना, और वो बड़े प्रोफेशनल हैं, वो बड़े जैसे कहते हैं ना कलाकार लोगों के पास बैठे हुए हैं, तो दो तीन चार लफ्ज उनसे भी सुन लेते हैं कि भाई वो कैसा गाना गाते हैं। हमारी आवाज़ तो आपको पता है, लेकिन उनकी मुझे लग रहा है कि अच्छी लगती है, क्योंकि वो सुते बूढ़े बूढ़े लगाते हैं। डॉक्टर के पास ले आए हैं, आराम नहीं आया आपको? कल हमने बाबा के दांत निकलवा लिया था, लेकिन आज बाबा का जो दांत है ना वो बड़ा दर्द करने लग गया, तो डॉक्टर के पास आए हैं ताकि चेक करें यार कि इतनी पेन क्यों है, और ब्लड इस चीज़ से रुक भी नहीं रहा। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, मौसम जबरदस्त, बाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो इससे पहले बारिश तेज़ हो हम पहले जस्ती निकले हैं, और डेंटिस्ट से तो हम मिल चुके हैं, और बारिश तेज़ होने से पहले ना हम अपना काम तमाम करते हैं। खेलना मैं उधर मुंह करके सोता हूँ, फिर आप मेरे साथ खेलो, ठीक है?